वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाजालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृंदावै तुलसीदेव वैपियावै केशवस्य स्नभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पात्रोश प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरण्य देयं सदा परिभवनम अविष्टदूहं तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतं सरण्यं भीतातिहं पुनतपाल भवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटायं विस्फुरजित किमपि भवतु स्वदर्शि पूर्णानुराग्र सुसागर सारमूर्ति साराधिका कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाभुधातु संकीर्तनै कवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथ वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विप्र
प्रादिशरगुण जुतादरविंदनाभो पदारविंद विमुखात सपचं वरिष्ठं मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थो प्राणं पुनाति सकुलं नतु हुरिमानः विप्रादिशरगुण जुतादरविंदनाभो पदारविंद विमुखात सपचं वरिष्ठं मन्ने तदर्पितमनुवचने हितार्थो प्राणं पुनाति सकुलं नतु हुरिमानः गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जब तक अपना शक्ति पर भरोसा रखते हुए आदमी आगे बढ़ेगा, जब तक अपना अभिमान पर आस्था रखे, जब तक अपना एक्सपीरियंस अभिज्ञता पर भरोसा रखे, तब तक किसी भी हालत से भगवत चरण में शरणागत होना संभव नहीं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जगत गुरु जी ने बताए, जब तक अपना बल भरोसा पर चलने का कोशिश करे आदमी, जब तक अपना अभिमान पर भरोसा रखे, जब तक अपना मेटेरियल एक्सपीरियंस अभिज्ञता एक्सपीरियंस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े, तब तक कोई भी आदमी भगवत चरण में शरणागत हो नहीं सकता, संभव नहीं। प्रपत्ति बा शरणापत्ति शरणागति ये विचार जब तक ना हृदय में आए, तब तक नापने वाला बुद्धि छोड़ेगा नहीं। श्रील रामानुजाचार्य जी ने प्रपन्न जीवनामृतम श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने उसके एडिट करके निकाला था। मेरा गुरुजी प्रायः कहते थे, बेटा ये किताब को पढ़ना, बड़ा सुंदर विचार दिखाया इसमें, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर दूसरा कोई रास्ता होता तो अल्टरनेटिव क्या किया जाए विचार करके देखता, लेकिन अल्टरनेटिव कोई रास्ता है ही नहीं। आज नहीं तो लाखों करोड़ों जन्म बाद भटकते हुए अंतिम में यही रास्ता पे आना पड़ेगा, शरणापत्ति का रास्ता में। अपना बल पर भरोसा रखने वाले जो है ये कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि जो भी आदमी अपना बल का ऊपर भरोसा रखने वाले, ये लोगों का स्वतः इन लोगों का अंदर में आत्म भरीता फॉल्स ईगो ये रहेगा ही। जब तक ये विचार हृदय में नहीं बैठता कि इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, जब तक ये विचार हृदय में नहीं बैठता कि ये छोड़ के तो दूसरा रास्ता है ही नहीं, तब तक आदमी अपना बल भरोसा पर चलने का कोशिश जरूर करेगा, जितना भी समझा वो समझेगा नहीं। श्रील पोपा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जी महापुराण में गजेंद्र मोक्षन का एक उपाख्यान, ये सच्चा कहानी है, फैक्ट भागवत जी महापुराण में है। गजेंद्र मोक्षन का
ऐसे तो गजेंद्र जी महाराज पहले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, और अपराध करने का कारण, अपराध करने का कारण अगस्त्य मुनि का चरण में अपराध करने का कारण, इसको हाथी जन्म मिला था। अब ये गजेंद्र मोक्षण का उदाहरण प्रभुपाद दे के इस बात को खुलासा करने का कोशिश की। बड़े जैसे गजेंद्र जी महाराज भागवत जी महापुराण में हैं, ये गजेंद्र जी महाराज गजेंद्र गज गजो गणों में इंद्रो जैसा इतना पावरफुल। और गजेंद्र जिस जंगल में रहते थे उस जंगल का शेर भालू से लेकर सब डर डर के मारे भाग जाते थे, इतना पावरफुल है, बाप रे। और किसी का उस जंगल में टिकना बहुत मुश्किल होता था, मुश्किल हुआ करता था, बहुत मुश्किल। और ये गजेंद्र ऐसा मदमत्त है अपना अपना पावर पर, अपना शक्ति पर इतना वो उसका भरोसा था, वो पूरा एकदम जंगल को, जंगल का राजा यूं समझो, यूं समझो कि जंगल का राजा बन के बैठा। और पानी में अगर उतारे नहाने के लिए तो जलचर पानी का तो प्राण संशय का चक्कर, ऐसे ही चल रहा है अपना खानदान, बीवी बच्चा लेकर चल रहे है बड़ा। यहां तक कि लिखा है शेर तक भी भागते थे, शेर ये भागते थे। और ये जो एक दिन पानी में उतारे तालाब में, बड़ा तालाब गिरिकंदर में, बहुत सुंदर तालाब, अचानक ठाकुर जी का क्या खेला है उसको एक मगरमच्छ आपका ये जो है कोकोडाइल कुम्भीर ने एकदम दबके पकड़ा, एकदम जोर से पकड़ा है। अब जो पकड़ा तो एक झटका लगाया, सोचा कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो एक झटका लगाएंगे तो चले जाए। लेकिन कुमीर भी ऐसा ही था, वो ऐसा पकड़ा है कि उसको छुड़ाने का चक्कर में गया तो मुश्किल भारी पड़ गया, बहुत मुश्किल, छुड़ाने नहीं सका। और ये जो गजेंद्र है, ये इंद्रद्युम्न महाराज, और ये जो कोकोडाइल है, ये जो कुम्भीर है, ये भी साधारण आदमी नहीं, हु गंधर्व, इसका नाम है हु गंधर्व। ये भी कोई अपराध किया था वो कुम्भीर का मापिक है, इसको सांप मिला था कि तू ग्राहक का मापिक मेरा पैर पकड़ के ले जा रहा है, जा बन जा कुम्भीर बन जा, कोकोडाइल बन गया। और जब पैर पकड़ा तो बड़ा भारी युद्ध हुआ, युद्ध हुई बड़ा मुश्किल, हजारों साल बीत गया, दिव्यो हजारों साल बीत गया उसका, एक हजार साल बीत गया। आपको विश्वास नहीं होना क्योंकि सब रिलेटिव टाइम फैक्टर में हम लोग अवस्थित हैं, अपना अपना हिसाब से बाकी का हिसाब जोड़ने का कोशिश करता, ये नियम है। इसको पता नहीं कि रिलेटिव वाल जो मेरा लिए संभव नहीं दूसरे के लिए संभव है, हर हालत में ये संभव। इस समय में युद्ध हुआ कि जय पराजय का कोई निश्चय नहीं हो पाया, और पानी में एक्वाटिक एलिमेंट जो पानी में रहते, एक पानी में जो प्राणी रहता है वो पानी में उसका ताकत जाता होता है। तो गजेंद्र का जितना सारे रिलेटिव है, बाबी बीबी बच्चा से लेकर तारे सारे
सब आके उसको खींच के बाहर निकाल कर कोशिश करें, लेकिन कामयाबी नहीं मिले बिल्कुल। और धीरे धीरे गजेंद्रों का बिना खाए बिना पिए कैसे रह जाए, और गजेंद्रों का अपना जो बल भरोसा पर जो अपना अपना बल पर जो भरोसा था पहले, वो धीरे धीरे कमती होते जा रहा है। पहले अपना बल पर भरोसा रखते थे, अब अपना बल पर कुछ भरोसा रखा कुछ नहीं हो पाया, और जितना सारे रिलेटिव रिलेटिव हैं परिवार परिजन बचाने का कोशिश किया वो भी फेलियर हो गया, कुछ नहीं हो पाया। अब अंतिम में क्या किया, देखा जे अपना अपना बल पर भरोसा रखने वाले मेरा कोई समाधान नहीं निकलने वाला। इसके बाद उसको अचानक याद हो गया, भगवान का चरण में शरण हुआ। तो ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं ये फैक्ट है भागवत का। और इस घटना के द्वारा प्रभुपाद प्रभुपाद का विचार ये है, जो अपना बल पर भरोसा रखने वाले जब धक्का मिलता है जिंदगी में, तो आगे चलकर वो भगवान का चरण में शरणागति स्वीकार करता है, उसका पहले नहीं। और चरण में शरणागत होने का साथ साथ गजेंद्रों का मंगल का जो रास्ता है ये खुल गया। अजजाप परमम जप्यम प्राग जन्मानु शिक्षितम, पूर्व जन्म में जो भजन किए वो याद हो गया अचानक। और जजाप परमम जप्यम प्राग जन्मानु शिक्षितम, पूर्व जन्म ने जो शिक्षा लिए गुरु जी से, ये सब भजन करना शुरू कर दिया, नाम पुकारना शुरू कर दिया भगवान को नाम। वो बात कहते हैं, जब तक बद्ध जीव मदमत्त रहता है गजेंद्र का महावी, मैंने भाटिंडा में ये बात को उठाया था, तो आम आदमी गुस्सा हो गया, क्या हम लोग हाथी है क्या, हम हाथी से भी नीचे है पर क्या हम लोग हाथी है क्या, इतना फॉल्स ईगो है, ये शास्त्रों का विचार चल रहा है फिर ये इतना फॉल्स ईगो है, बाप रे बाप, क्या हम लोग हाथी है ऐसा। तो ये जो विचार है, ये जो अपना बल पर भरोसा रखने वाले जो अभिमानी बद्ध जीव है, ये इसका हालत है गजेंद्र का महावीर। अपने को बड़ा समझता है, बहादुर समझता है, और धीरे धीरे जब धक्का लगता है जिंदगी में और कोई रास्ता नहीं है, तब इसका अभिमान धीरे धीरे हटने का चक्कर में धीरे धीरे शरणागति आरती उदित होता है। और संत महात्मा का चरण में पहुंचा हुआ, संत महात्मा के चरण में शरणापत्ति होने से, ये संत महात्मा कभी मायावादी का विचार नहीं बताते, हर वक्त शरणापत्ति का ही विषय बताते, इसका महिमा। कभी भी आरोह बात का उपदेश नहीं देते, आरोह बात का अगर सहारा ले तो पापा जी कह रहे हैं उसका पतन इनेविटेबल अवश्यंभा। कृष्णो सर्वाश्रय, कृष्णो का बारे में भागवत में बोला दसमे दसमाश्रय, दस चीजों का अत्र स्वर्ग विसर्गस्य स्थानम पसन मूतयु, ये जो है दस विधा जो है कृष्णो आश्रय, कृष्णो ये जो आश्रित तत्व मैंने जो आश्रय लेने वाले नौ तत्व जो है आश्रय में रहता है, और कृष्ण आश्रय देने वाले कृष्ण का आश्रय में रहता है, कृष्ण सर्वाश्रय अत्र स्वर्ग विसर्ग स्थानम पशनो पोषण मुनियो मनंतर ईशानु कथा, ये जो है जो श्लोक है ना, कभी सुना है ना, नहीं सुना नहीं, कैसे सुना चलो, कृष्ण सर्वाश्रय है
दूसरों दूसरे चीजों को भरोसा, बैंक की अमानती पैसा, अपना पिता माता भाई बंधु स्वामी, बड़ा नंबरदार है हमारा स्वामी, हमको बचाएगा, ऐसा विचार जो है रहने से ये सब चीजें जो हैं तात्कालिक फॉर द टाइम बीइंग दिखाई पड़ता कि पैसा है, पावर है, मैन पावर मैनी पावर सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमको बचा नहीं सकता, संभव नहीं। तमाम जीवों का ऐसा हालत है जो ये सोच की बाहर है, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं शुद्ध जीवात्मा हूँ, मैं शुद्ध जीवात्मा हूँ, अपना कर्मफल के अनुसार ये शरीर पकड़ा, ये शरीर प्रकृति का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का सारे प्रकृति का है, प्रकृति भूतों का मापिक मेरे को नचार है, प्रकृति क्रियामानानि गुणोई कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्नते, ये सबसे बड़ा बीमारी यही है। ये समझ में नहीं आता कि मेरा काम यही नहीं है, मैं जो माया के पीछे दौड़ रहा हूं ये मेरा काम नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, चिन्मय आत्मा। और कहां तक कहे, समझाने से भी समझता नहीं, बिल्कुल नहीं समझ, क्योंकि माया में डूबा हुआ है, सारे प्रकृति कर रहा है। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, एक लोहे का जो डंडा है इसका अपना कोई हिम्मत नहीं है कि किसी को जलाए, बस इतना ही है, आंख का सामने रहते हुए इसका अंदर में आंख का जो क्षमता है, आंख जलाने का जो क्षमता है इसका अंदर में घुस के, अब ये लोहे का टुकड़ा तो जलाने वाला नहीं है लेकिन अब जला रहा है। ऐसा ही प्रकृति और पुरुष से जो हिलमिल, ये जो सृष्टि है, बड़ा आश्चर्य की बात है। जब भी प्रकृति का साथ पुरुष का चिन्मय आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फिर भी क्या कहे, ऐसा हालत पहुंच गया कि एक दूसरे का अलावा जी नहीं सकता, संभव नहीं कि पल पल में ईच एंड एवरी स्टेप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो विषय छोड़ के कुछ चीज सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस है जीवन जिंदगी में, जितना एक्सपीरियंस कमाया है वो तो सब मेटेरियल है, या तो प्रीवियस लाइफ में पहले जो जिंदगी गुजारा उसमें भी मैटर ही मैटर 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 सब विषय है। चिन्मय जब भी आत्मा चिन्मय है फिर भी उसका कोई एक्सपीरियंस है नहीं, भूल गया, कुछ याद नहीं। इसलिए प्रकृति क्रियामानानी प्रकृति और पुरुष के द्वारा, और भगवान ये भी कह चुका है विष्णु शक्ति परापक्ता, ये सब बहुत बोला श्लोक विष्णु पुराण में, जयेदम धर्जेद धर्जते जगत, अगर चिन्मय आत्मा नहीं होता, अगर चिन्मय आत्मा एब्सेंट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूरा विड्रॉ कर लिया, और प्रकृति जो इनर्ट वस्तु है इसको छोड़ दिया, बस कुछ नहीं होने वाला। पहले जन्म का संस्कार का अनुसार महाविष्णु प्रकृति के गर्भ में गर्भ संचारित कर देते, मायाध्यक्षेण प्रकृति श्वेत चराचरम, और प्रकृति का काम क्या है ये भी भगवान का ही शक्ति है, परा अपरा प्रकृति ये हमारा नहीं है, भगवान का ही है। अद्भुत ये संयोग है, जब प्रकृति और पुरुष आपस में हिलमिल, चलो आगे चले, संसार को बढ़ाते चले। जब पैदा हुआ ये शरीर लेके पैदा हुआ,
कुछ नहीं था, बाल बच्चा कुछ नहीं है, आगे चल के बस इच्छा पैदा हुई, चलो संसार को घेर लिया, बस पोता पोती से लेकर एकदम खानदान ऐसा बैठ गया जे मानो कि एक मार्केट बैठ गया, पूरा पूरा मार्केट। अरे कहां से महाराज आया है, मुट्ठी बांधे मान के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। ये बोलना बहुत इजी है, गाना, लेकिन अनुभव में लाना, अनुभव में लाना माना है, क्योंकि अनुभव में आए तो संसार नहीं टिकेगी, हैं? अनुभव में लाना माना है, इसलिए अनुभव में कोई लाना नहीं चाहता। प्रभुपाद का कहना है ये सब विचार भुक्ति मुक्ति भुभुक्षा मुमुक्षा इसके द्वारा प्रतारित प्रतारित होके हम चल रहे हैं। काय मन वाक्य में साधु चरण में प्रपन्न जीवनामृतम, रामानुजाचार्य का प्रपन्न होके साधु का कथा श्रवण करने से ही माया पिसाची बस भाग जाएगी, बस हरि कथा सुनना है। कोई अगर कहता है कि मैं सुनता हूं, मेरा विचार से तो सुनता नहीं है। सुनने का मतलब है काय मन वाक्य में सुनना, हाँ सुन लिया थोड़ा, अब विचार किया छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। सुनने का मतलब है काय मन वाक्य में हरि कथा सुनना, तमाम दुनिया उल्टा रास्ता बेचा रहा है, वैकुंठ वार्ता मैसेज ऑफ वैकुंठ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और बोलने वाला भी कहाँ। भक्तिमोहन ठाकुर का खुद का कहना है वैकुंठ पार्षदगण छाड़ा वैकुंठ जगतेर वार्ता केहई बोलते पारे ना, बेंगली वैकुंठ जगतेर वैकुंठ जगतेर वैकुंठ जगत का जो संत महात्मा है भगवान का निजी जन, वैकुंठ जगतेर दूत गण बिना वैकुंठ वार्ता केहई बोलते पारे ना। आई कैन मेमोराइज सम वैकुंठ वार्ता टू पास लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट आई कैन डू, इतना ही काफी। लेकिन इसमें अपना भी मंगल नहीं होने वाला, आपका तो मंगल होगा ही नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं भुभुक्षा और मुमुक्षा के द्वारा प्रतारित होकर शास्त्रों चर्चा करने बैठे तो शास्त्रों का असम्मान है। इट इज वन काइंड ऑफ डिसऑनरिंग, आई एम गोइंग टू डिसऑनर, शास्त्रों को अपमान करना, किंतु शास्त्रों को अपना अधीन बनाना उचित नहीं है। जो लोग शास्त्रों को अपना अधीन बनाता है, हमारा बात शास्त्रों मानेगा, ये हो ही नहीं सकता। बामन गोस्वामी महाराज भी ये कहते थे, जो हमारा ये जगत का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दे आर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। आज असेंबली में कुछ नियम नीति रेगुलेशन पास हुआ, कल ये भी हो सकता है दूसरा सरकार इसका अमेंडमेंट करके चेंज कर दे। लेकिन अपरागिक जगत का जो ये सब वार्ता है, मैसेज है, इसे डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये दोज आर नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट का अंडर में नहीं है कि हम अपना ख्याल खुशी का अनुसार हम उसको अमेंडमेंट कर लेंगे। लेकिन अभी ये सब चल रहा है, ये शास्त्रों का कौन माने। पोपात का बात सुनने से मठ नहीं चलेगा, हम तू बारी चले जा, घर चले जा, शादी कर ले, भले खुल्ला खुल्ला हमारा सामने तो नहीं बोलता, बोलते तो देता है एक झप्पर, सब बोलता चर्चा होता। अरे पोपात का बात मानने से आजकल मठ चलेगा क्या, वो जानता ही नहीं मठ का चीज है, पोपात क्या है,
जय बहुबात जय बहुबात, छागल का माफिक बोल दिया, उसको पता ही नहीं कौन बहुबात है। और इंटरनेट हो गया एकदम प्रॉस क्वार्टर आजकल जो हुआ, किसी का हिम्मत नहीं है उनमें से छानबीन करके असली चीज को निकाले, बार मर रहा है, सब मर रहा है, लाखों लाखों सब मर रहा है इसका पीछे। चल मर, क्या करे। और प्रभुपाद कह रहे हैं शास्त्रों को अपना अधीन बनाना उचित नहीं है, शास्त्रों को अपना अधीन बनाना उचित नहीं है। शास्त्रों का चरण में शरण लेने से और गुरु चरण में प्रपत्ति स्वीकार करने से शास्त्रों का बातें जो है वो हजम हो पाएगा और पचा नहीं पाएगा। नहीं तो मेमोरी अच्छा है, वो शास्त्रों का मुखस्त कर लिया लेकिन पचा नहीं पाएगा। ये एक नियम है, जब गुरु कृपा मिले तब शास्त्रों का जो बातें हैं प्रवचन हैं वो हजम कर सके और अपना जिंदगी में अप्लाई कर सके। प्रभात कह रहे हैं कि शास्त्रों तो भगवान का ही अवतार, साधु शास्त्रों रूपे कृष्णो, साधु शास्त्रों ये सब रूप पकड़ कर आते हैं जगत में, नाम भगवत कथा हरि कथा ये सब रूप पकड़ के कृष्ण का अवतार है शास्त्र। और जब तक ये कंडीशन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपेशन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, पहले भी चर्चा कर चुका और टाइम नहीं है। हर आदमी, प्रभुपाद कह रहे हैं सब आदमी चाहता है कि अपना इंपॉर्टेंसी भरे। प्रचार का मतलब है अपना इंपॉर्टेंसी को बढ़ाओ, समझाओ लोगों को यह हम कितना बड़ा है। काल भी कह चुका ना, आप अगर प्रभुपाद का बैनर और गौड़ीय मठ का बैनर के अंडर आप अगर प्रचार करते तो हमारा बोलने का कुछ नहीं था, आपने ये नहीं किया। हम अगर ठाकुर जी हमसे कुछ करवाता है, देख लो सारे प्रभुपाद और गौड़ीय मठ, सब अपना अपना बैनर का अंडर। इफ यू कुड प्रीच अंडर द बैनर ऑफ प्रभुपाद एंड गौड़ीय मठ देन आई कुड अप्रिशिएट यू। अब अप्रिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मालूम है आप दूसरा एक चीज बना के अपना प्रतिष्ठा को कायम करना चाहा, इसलिए तमाम दुनिया कर सकता लेकिन प्रभुपाद नहीं करेगा, प्रभुपाद नहीं करेगा, प्रभुपाद बोका नहीं है। अब भोपाल का जो फॉलोअर है, जो भोपाल को मानते हैं दिल से, वो भी नहीं करेगा। वो कौन कौन बीमारी का क्या इलाज है तुरंत पकड़ लेगा। भोपाल को जो एक्चुअली हृदय से फॉलो करता है ना, वो लोग इतना आईक्यू है, इतना हृदय में सेंसिटिविटी है, जो जरा सा भी गलती कर दो फट से पकड़ लेगा। एक शब्दों भी गलती कर दिया ना कोई आचार्य जो कोई भी हो, फट से अरेस्ट कर लेगा, क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहे तुम, ये उल्टा है। लेकिन दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, सब चल रहा है अंधा का माफी। तो ये जो कंडीशन गीता में ये छोड़ के तो हो ही नहीं सकता। तद्विधि पुनिपात पुरुषों सेवाया और तत्व ज्ञान अभी जगत में लुप्त तो हो गया, ये बात भी सच्चा नहीं। आज तत्व ज्ञान जगत में भरपूर है, ये भी सच्चा नहीं, दोनों में एक भी नहीं। तत्वज्ञान लुप्त तो नहीं हो सकता। जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का इतना हिम्मत है कि परंपरा को कायम रखे, ये जगन्नाथ का अंदर में हिम्मत है। इसीलिए प्रभुपाद जी कितना भरोसा रख के ये बात बोले, भक्ति विनोद धारा कभी भी अवरुद्ध नहीं होने वाले। और जो बात उठाया था गुरुचरण में, जितना भक्ति और भगवान में भगवत चरण में उतना ही भक्ति, जरा सा गुरु में ज्यादा होनी चाहिए। होने से यशो देवे पराभक्ति, यशो देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशान्ते महात्मना। यही बात को
अभी 5 मिनट पहले ये बात को खुलासा किया ना, शास्त्रों का प्रवचन जो है, शास्त्रों का जो सिद्धांत है उसका लिए पचाना संभव है, हजम करना, जिसका गुरु में और भगवान में समान है बा, और जो प्रवचन करने जाए, प्रचार करने जाए, उसका लिए तो महाप्रभु पहले से ही एक कंडीशन फिलफिल कर दिया, एक कंडीशन लगा दिया, वो त्रिनाद भी सुनिश्चित हो तरह प्रशेषण अमन्य महादुनों कितन ये सदा, ये तो पहले ही कर दिया, वो हमारा करने का कुछ नहीं, पहले से ठाकुर जी करके रखा है। अब ये जो गीता का जो प्रवचन चल रहा है ये समझने के लिए ये सब जरूरी है, ये सब समझने के लिए अंतर से, क्योंकि श्लोक जो श्लोक देखे शुरुआत किया था, ये श्लोक का माने तो आप समझते हो, एक ब्राह्मण है विप्रात दिशर गुण युदात अरविंद नाम पदारविंद है ना सपचम वरिष्ठम पदारविंद मुखात सपचम वरिष्ठम विप्रात दिशर गुण युतात अरविंद नाम पदारविंद मुखात सपचम वरिष्ठम। एक विप्रो जिसका 12 गुण से डेकोरेटेड है, हु इज डेकोरेटेड विथ 12 डिफरेंट क्वालिटीज विच ऑल आर सपोज टू बी देयर इन ए ब्राह्मण। ब्राह्मण का अंदर में 12 गुण होना, समो दमो शौचो सरलता अर्जबो इत्यादि सारे गुण, लेकिन अगर विष्णु चरण से विमुख है, विष्णु चरण से विमुख है भगवत चरण से, तो इससे बढ़कर है कोई सपच, कुत्ता खाने वाले, कुत्ता का मांस खाने वाले, आज की जमाने में अगर उसका भक्ति हो हुआ होगा, ये अगर विष्णु चरण में भक्ति भक्ति रखने वाले, तो इसका कीमत ज़्यादा है, वो ब्राह्मण का कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सपच व्यक्ति है, ये तो कृष्ण चरण में भक्ति हुई और ये अपना खानदान को एकदम पार कर सकता, पूरा खानदान। ये शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं, जिस खानदान में एक कृष्ण भक्त पैदा हुआ, विष्णु भक्त, वो खानदान तैर जाएगा पूरा। तो ये जो विचार बताया किस लिए है, भागवत का विचार है, वो कई ऐसा वैसा नहीं है। भागवत का 7th canto सप्तम अध्याय सप्तम स्कंधो 9 अध्याय 15 श्लोक विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाव पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पितो मनोवचने हितार्थो प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। मन्ने तदर्पितो मनोवचने हितार्थो प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। भूरिमानः मन इतना बड़ा गुण के साथ संयुक्त तो होने का बावजूद ये ब्राह्मण अपने को भी संसार सागर से पार नहीं कर सकता। वेरस जबकि ये जो सपच आदमी है, ये कृष्ण भक्ति होने के कारण ये पूरा खानदान को पार कर लेगा, पार करा देगा। क्यों? एक सपच है नीचा खानदान का, एकदम नीचा, इसका कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति होने के कारण और हर वक्त भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। भगवान का नाम में कोई विचार नहीं है, क्योंकि अब शौचालय में जाओ, कुछ भी करो, भगवान का नाम बंद मत करो। तो ये जो
हर वक्त जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, ये तो बहुत सारे तपस्या दान तपस्या बहुत कर लिया, इसके लिए कुछ भी नहीं बराबर है, क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहा है। और आप जितना भी तपस्या कर लो, जाग जुग कर लो, अहो बतो सपचतो गरियान युभाग्रे वर्तते नाम तो भ्याम ते पू तपस्ते जुहु सुष्णुराजा ब्रह्म्यान उचूर नाम गृणंती जेते। भागवत का अहो बतो सपचो अतो गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम ते पुष तपस्ते जुहु सुष्णु राजा ब्रह्मणाचूर नाम गृणंती जेते। ये जितना भी नीचु खानदान में पैदा हो, भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसका जवान है, हर वक्त जो भगवान का कीर्तन भगवान का नाम लेते रहते हैं, जितना भी तपस्या करने वाले हो, कुछ भी हो, क्योंकि भगवान का नाम लेने का साथ साथ तमाम तपस्या हो चुका है, तमाम जाग जोगों का रिजल्ट मिल चुका है, ये नियम है, यही शास्त्रों का विचार है। तमाम योग कर चुका है ये आदमी, तमाम तपस्या एस्टेटी फिनांसिस कर चुके, तमाम तीर्थों का अटन पर्याटन कर चुके, क्योंकि ये भगवान का नाम लिया। सो जो विचार हो रहा था, अभी जो विचार होता था, याद है आपका 16 नंबर अध्याय में भगवान चतुराई से, बड़ा चतुराई से प्रारंभ किए। भगवान अर्जुन को इतना चतुराई से समाम ये सब गुणावली बता दिए, दैवी गुणावली स्थापना करने के लिए दैवी, और इसमें विचार करके कल दिखाया भगवान दैवी गुणावली के स्थापन करने के लिए बड़ा बड़ा चतुराई से संन्यास का क्या होनी चाहिए, गृहस्थी का, वानप्रस्थ का, ब्रह्मचर्य का, संन्यास का तो पहले ही बोला, ऐसे ही चतुराई से भगवान कर दिए। तो इसमें अगर तमाम चीज़ों को पालन करे, चतुर्वर्णों और चतुराश्रम का, ये ऐसे ही इट कैन ऑटोमेटिकली कवर अप दोस फील्ड्स ऑफ चतुर्वर्णों और आश्रम, ये चर्चा हो चुका, जब भी और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समय परमिट नहीं करेगा। इसमें दैवी और असुरी संपत, भगवान क्या करना चाहा, बोले महाराज भगवान का विचार है, ये दैवी जो वर्णाश्रम है इसका बारे में थोड़ा चर्चा पहले हुआ था। कहने का मतलब है भगवान चतुराई से चतुर्वर्णों और आश्रम में क्या क्या होनी चाहिए, मतलब अगर ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण का दैव दैव गुणावली क्या होनी चाहिए, और अगर क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के लिए दैवी गुणावली क्या होनी चाहिए, सपोर्टिंग गुणावली, वैश्य हो उसका लिए दैव गुणावली क्या होनी चाहिए, शूद्र हो तो उसका लिए क्या गुणावली, दैव गुणावली को नहीं होनी चाहिए, या तो संन्यास हो तो क्या दैव गुणावली विशेष स्पेशली होनी चाहिए। आई बात समझ में, चार वर्णों और चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, अब वहां संन्यास गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, चार ये सब तो सारे कवर होने का ये जो बहाना भगवान ने कर दिया बहुत चतुराई से। और लेकिन बाहरी दृष्टि में भगवान का कोई आदेश नहीं है कि चार वर्णों और चार आश्रम का हमने बता दिया देख ले,
अरे ये तो पहले भी बताया, आगे चलकर 18 अध्याय में वहां भी बताए, ये तो है ही है। तो दोईवी यहां ये चैप्टर का ये जो 16 अध्याय, इसका विशेष यही है जो दैवो गुणावली किसका क्या होनी चाहिए, इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या समस्या है, क्या अनजान है, ये तमाम बात को खुलासा करने के लिए भगवान ने ये सब बताया। ऐसे तो एक वैष्णव का अंदर में तमाम दैव गुणावली तो दूर की बात है, भगवान का जो गुणावली वो भी रहता है। कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारी, कृष्ण भक्तों का अंदर में कृष्ण का गुणावली सारे तमाम आता है। भक्तोत्व डिवोटीशिप इसको सामने रखते, ये नहीं कि डिवोटी हो गया भगवान, ये तो मायावाद। भगवान का गुणावली तमाम भक्तों का अंदर में आ सकता है, लेकिन भगवान का भगवत्ता का जो विषय है, सृष्टि धर्म है, पालन पोषण, ये सब जो है भगवान का, ये सब जो है रासलीला करने जाए भगवान, ये सब नहीं आएगी, ये सब गुणावली नहीं आएगी। भक्तों का भक्तत्व द डिवोटीशिप इसको कायम रखते हुए जितना गुणावली जरूरी है भगवान से वो आएगा, वो भी भरपूर आना मुश्किल है, क्योंकि भगवान गुणों का खजाना है। भगवान को अगर षड़विदो ऐश्वर्य का मालिक बोला गया शास्त्र में, ऐश्वर्यस्व समग्रस्व वीरजस्व जसोस्व श्रियो सारे बताए, तो इसका जो है ये जो है भगवत का, भगवान का एक विशेष गुणावली है। भगवान का ये स्वाभाविक है, भगवान में ये सब भरपूर है। विश्वनाथ चकोदिवाद कह रहे हैं इसमें ये जो 1600 अध्याय है इसमें दैवी और असुरी, कल भी चर्चा हुआ महाराज, दैवी और असुरी दोनों कैटेगरी क्यों किया, क्योंकि राक्षस भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, काल इस विषय में हमने चर्चा कर चुके। भक्तिविनोद ठाकुर, विश्वनाथ चकोदिया, बलदेव विद्या सारे कह जो बोले ठीक है, ऐसे जो दैवी और असुरी ये शास्त्रों में ये विचार किया, विचार बताया गया, ये दो ही कैटेगरी रखा है, क्यों रखा है वो भगवान जाने। जब भी एकदम राक्षस भाव जो है, राक्षस का भाव भी ये आसुरी भावों का अंदर में कैटेगरी में घुसा दिया गया, आई बात समझ में। और दैवी और आसुरी दोनों का ही शास्त्रों में पहले से सुनते आ रहा हूं, सुनते आए हैं, तो दोनों ही हैं, ये विचार रखा गया ऐसे। असुरस्तद विपर्जय, असुरो जो भगवान को मानने वाले तो दैव माना गया, असुरस्तद विपर्जय तो उसका विपरीत जो है वो असुर है, ऐसा ही कैटेगरी किया गया। और इसमें 16 अध्याय में पूरा खुल्लाम खुल्ला ये विचार को रखा गया जो दैवी गुणावली क्या है। ये समाज संसार इतना बेरहम है, इतना बदमाश है, इसमें जो जैसे चाहे अपना मतलब का मुताबिक व्याख्या कर रहे। अब चलो देखो, झट से जाके फॉरेन लेडी को शादी कर ले, मारा दैवी वर्णाश्रम है, चप्पल से पिटाई करे, कौन सी बाप बोला है तेरे को ये सब विचार, कोई जानता ही नहीं ये सब, और बोल देता है दैवी वर्णाश्रम है। अच्छा दैवी वर्णाश्रम तूने जानता है, किसको बोलता है दैवी वर्ण, बोल तो, अपना मनमानी चल रहा है वो। धंसो हम तो पहले से फोरकास्ट करके रखते हैं, इनेविटेबल धंसो हो जाएगा, धंसो होने वाला ही है,
टोटल डिस्ट्रैक्शन बोलने से अपराध होगा, थोड़ा बहुत रहेगा बचा खुचा, लेकिन ध्वंस का ओर चल रहा है। अभी माया देवी का चक्कर है, कोहली का चक्कर है, कोई सुनने वाला नहीं। अब हम प्रभुपाद का बात बोले हमको छाट दिया जाएगा, समाज से अलग कर दो इसको, ये दुश्मन है हमारा। पूरा तमाम हमारा जिंदगी में यही होते आ रहा है, यही एक ही ट्रेजिडी, इसको कॉमेडी बोलता हूं मैं, ट्रेजिडी नहीं मानता, दूसरा आदमी बोलता है, तमाम जिंदगी यही हुआ। प्रभुपाद का बहुत बात कहते गए और वो हमसे भगाते गए, फिर भी हम जैन छोड़ा, चलते रहे, कहाँ तक चले देखे, ठाकुर जी का क्या इच्छा है। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति, बोलना तो आसान है, मैंने अनुभव करके देखा थोड़ा बहुत। तो इस अध्याय का ये विशेष है, और चार नंबर श्लोक तक हमने उच्चारण किया, चार नंबर श्लोक व्याख्या नहीं हो पाए। चार नंबर श्लोक जो है इस 16 अध्याय का, 16 चैप्टर का, दैवी आसुरी ये संपद कुन गुण संपद विभाग ये जो है, इसमें चार नंबर अध्याय में बताया गया, दम्भो दर्पो अभिमानस्यो क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्यो पार्थो संपदम आसुरीम। देखो कितना संपद, ये स्वाभाविक है, बहुत प्रचार कर लिया हमने बाबा, हमारा में अभी किसी ने प्रचार नहीं किया, वो असुर है, असुर है, असुर है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, असुर है इसलिए ऐसा बोलना उचित नहीं है। प्रचार का सोल अथॉरिटी है नित्यानंद, प्रचार का सोल अथॉरिटी है नित्यानंद, ये किससे किससे करावा करवाएगा, किससे नहीं करवाएगा, ये नित्यानंद बोल रहे अनंतदेव जाने, ये हमारा काम नहीं है, खुद जीव कैसे प्रचार करे, अगर करे भी अभिमान आ जाएगा, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड टेम्पल कर लिया, कितना बड़ा हनुमान हूं मैं देख लो, ऐसा बोल दे और क्या। भजन का साथ साथ विनम्र भाव पैदा होता है, लेकिन उल्टा, भजन का मतलब है विनम्र भाव, दिन पे दिन विनम्र भाव होते चलेगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो ये जो सिम्टम देख के पता चलता है कौन क्या कर रहा है, किस रास्ते पे दौड़ रहा है, वो सिम्टम देख के पता चलता है। आई बात समझ में, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभि यातस्सो पार्थो संपदम आसुरिम। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभि यातस्सो पार्थो संपदम आसुरिम। हो गया, मानी युवा, मानी युवा दम्भो, दम्भ मतलब अभिमान, हमने कर दिया, दम्भ दर्पो हम देख लेंगे, हाँ दम्भो दर्पो अभिमान, क्रोध पारुष्य मतलब निष्ठुरता, मर्सीलेसनेस, हार्टलेसनेस, निष्ठुरता, पारुष्यमेव च रुक्षभाव, हार्टलेसनेस, समझा। और अज्ञानम, वो अपने को ज्ञानी समझते हैं, अज्ञानम आचाभिया अभियातस्य पार्थो संपदमा से, ये जो संपद, आई बात समझ में, जो चीज हमारे लिए फेंकने का चीज है वो दूसरे के लिए संपद बन सकता, आई बात समझ में, जो चीज मेरे के मेरे लिए फेंकने का बराबर है, फेंकना चाहिए, वो दूसरे के लिए संपद बन सकता, कौन जाने, ऐसा भी तो आदमी है जगत में। और अज्ञानी व्यक्ति का सबसे, और अज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, सिम्टम,
अज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा सिम्टम है कि वो अपने को ज्ञानी मानता है। अज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा सिम्टम ये है, वो अपने को ज्ञानी मानता है, बड़ा आया ज्ञानी महाराज। तो ऐसा दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध निष्ठुरता हार्टलेसनेस है अविवेक ये असद वासना का साथ चलते रहते हैं अनोइंगली। जिसका अभिमान है वो सोच नहीं सकता हमारा अभिमान है, वो सोचता है मेरा अभिमान नहीं है। असद वासना का साथ ये जुड़े हुए रहते हैं और ये ऐसा इसी स्टार पोजीशन में, ऐसा स्टार पोजीशन में पैदा लेने वाले व्यक्ति के ये सब सारे संपत्ति है। ये हमारे लिए तो फेंकने का बराबर है, कचरा है, लेकिन दूसरे के लिए संपत्ति है। कुछ नहीं तो अभिमान तो है ही है बड़ा। सो दम्भो है, दम्भो जैसे अभी बताया मेरा माफी प्रचार किसने नहीं किया, दम्भ है। मैं धार्मिक हूँ, बड़ा शास्त्रों ज्ञानी हूँ, ये दम्भ हुआ। दर्पो विद्या, या तो उच्च कुल में देखने में अच्छा है पैदा हुआ, एक गर्व हो सकता है इसका अंदर में। जन्म सज्ज सुतो सीबी रेधमान मदहपमान, दर्पो पैदा होता है, दम्भ पैदा होता है फौसी को, कुंती देवी ने बताई। जन्म सज्ज सुतो सीवी रेधमान मदहपमान नैव अर्हति अभिधातुम वही तम अकिंचन गोचरम। तुम अकिंचन भक्ति का गोचर हो, मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है अकिंचन व्यक्ति। अभिमान मतलब अपने को अतिशय पूज्यो, मैं पूज्यो हूं, मेरे को पूजा करो, मेरा दंडवत नहीं किया। कितना ऐसा केस है, काउंटलेस केस मेरा जिंदगी में हुआ है। इतना मास्टर जो है मेरे को देखा और हिसाब से तो मैं सबका शिष्य हूं, शिष्य मेरा शिष्य कोई नहीं है। कोई किसी से सेवा में मैं आशा नहीं कर सकता। जब भी मेरे को कभी कभी ये सब लेटर फेटर आता है, हैं, मैं हंसते रहता हूँ, महाराज देवानंद गौरीमठ आपका सेवा में मौजूद है। अरे तू समझाई नहीं, देवानंद गौरीमठ क्या चीज़ है। देवानंद गौरीमठ का सेवा मैंने किया, मैंने देवानंद गौरीमठ से कोई सेवा नहीं लिया, एक भी किताब बिक्री नहीं किया, मैं व्यापारी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए बिजनेस मैन। जितना सारे किताब छपवाया वो भी छोटा मोटा प्रणामी सारे हम दे दिया मठ में। तो देवानंद गौरीमठ मेरा सेवा में हाजिर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये तो मेरा अपमान है, मैं ये सुनना नहीं चाहता। देवानंद गौरीमठ मेरा सेव्य है, सेवा करना चाहता है। देवानंद गौरीमठ में देवानंद गौरीमठ मतलब केशव को सीमा, बामन को सीमा, क्या मैं उन लोगों से कैसे सेवा ले सकता। छोटा मोटा सेवा पर कहे तो भी ठुकरा देते हो, छोटा मोटा अगर कहे ट्रांसलेशन करो ये करो, वो कोई उत्तर नहीं देते। हमारा सेवा में देवानंद गौरीमठ उपस्थित, ये हंसी मजाक में कह दिया, ऐसा बात हम सुनना भी नहीं चाहता, क्या करें। तो ये जो है कह देते हैं, जोश में आकर कह देते हैं, सोचते नहीं कि क्या कह दिया। ये इसका रिजल्ट है, इसलिए ये किस लिए हो रहा है, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं वैशासन में बैठा हुआ, इसका कारण है असत्संग। मैं गीता प्रवचन कर रहा हूं ठाकुर जी के पास से, इसको पकड़ के बोल रहा हूं, इसका पीछे रहस्य है, व्हाट इज द मिस्ट्री। पहले इसका रहस्य है, ये असत व्यक्ति का सेवा कर रहा है, असत्संग कर रहा है। आई एम डेफिनेट अबाउट, आई एम कसम से बोल रहा हूं, ये नहीं तो हो ही नहीं सकता। इतना हरिकथा सुनने के बाद ऐसा बुद्धि कैसे हो सकता,
ये वही नहीं सकता, उल्टा मतलब सीक्रेटली असत्संग चल रहा है, क्योंकि असत्संग करने से मेरा लाभ पूजा प्रतिष्ठा ज़्यादा आएगा, स्वयं बाबा तो मेरे को प्रतिष्ठा नहीं देने वाला, बोलेगा नहीं ये प्रवचन करो, हम तो बोलेगा नहीं, पिटाई करेगा, इसलिए उसको छोड़ दो, क्या होगा, अब उल्टा प्रणामी भी देना पड़ेगा, पूछो मत तो अच्छा है, ऐसा सिचुएशन आ गया। चलो हम हर हालत में खुशी हूँ, खुश हूँ, मेरा दुख की कोई बात नहीं है। तो ये जो है भक्त, जो है ये जो दम्भो, मैं सन्यासी वनाचार्य हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं ये दम्भो, मेरा दंडवत नहीं किया है, ऐसो दर्प मतलब विद्या ऊंचु कुल, जैसे कुंती देवी ने बताई, जन्म सज्ज सुत शिविर मानो मद अपमानो नैव अर्हति अभिधातुम भी तम किंचन गोचरम, ये दर्पो है अभिमान, अपने को पूज्य समझना, मेरा मापिक पूज्य है कोई, मेरा पूजा होनी चाहिए, तमाम बड़े बूढ़े जो है, जितना बड़ा बड़ा सीनियर भक्त लोग है, मेरा नीचे बैठेगा, मेरा चरण में पुष्पांजलि देगा, मैं हनुमान का मापिक ऊपर बैठे हैं, यही तो है ना, यही तो है ना मेरा भक्ति, अभिमान मतलब है अपने को पूज्य समझना। और वैष्णव जो पक्का वैष्णव है, उसका तो मान अभिमान कुछ नहीं रहता, चाहे कुछ ने अपमान कर दिया, लेटर का उत्तर भी नहीं दिया, चलो ठीक है नहीं देते, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, दिया नहीं ठीक है, गिरा हुआ इंसान हूँ इसीलिए दिया नहीं, बड़े बूढ़े को पूछेगा जिसका पैसा है ये है, उसका पीछे तो जरूर जाएगा, और चलो ठीक है, इसका नसीब में यही लिखा है, एक के बेचारा क्या करे, इसका नसीब में जो टट्टी पेशाब लिखा वही तो करेगा ना, उसका नसीब में यही लिखा है, वही करो, चलो जिंदगी भर रगड़ते रहो भजन का नाम पे, चलो ठीक है। और अभिमान क्रोध है ना, वो तो जानते हो, और तो प्रसिद्ध जानते हो, झट से एकदम गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, क्यों हमको ऐसा बोल, लेकिन गुरु वैष्णव का सहनशीलता ये सबसे बड़ा संपत्ति है। पारुष्य मतलब किसी को कोई उत्तर दे, जवाब दे, किसी को अच्छा अच्छा तरीका से समझाओ, और रुक्ष भाव से एकदम फाड़ चिड़ के बोला, जैसे उसका दिल टूट जाए, पारुष्य ड्राई भाव, अंदर में रस नहीं है बिल्कुल, और अज्ञान कार्यों और कारण, मेरे को क्या करना चाहिए भक्त होने के नाते, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाता, उसको पहले भी बताया ऐसा मत करो, उसका पीछे मत जाओ, ऐसा नहीं करो, वो क्या, मैं कुत्ता बिल्ली का मापिक चिल्लाते रहे, वो वैसा ही करते रहे, चलो मर, हम क्या करें, जितना भी समझाओ धोखेबाज आई है वही करे, अच्छा है। अज्ञान का मतलब है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें विवेक बुद्धि का नाश नहीं होना, विवेक बुद्धि नहीं होना, इसका नाम है अज्ञान। आई बात समझ में, पापों के द्वारा आप पाप को आरण करो, मानी बिगेट्स मानी, सिन बिगेट्स सिन, ऐसे ही करें। तो जो भी है ऐसा दम्भो दर्पो अभिमानश्च, अभिमानश्च बोल के च लगा दिया, ये जो अभिमानश्च, ये जो च लगा दिया, क्यों च लगा दिया, इसका साथ जो रिलेटेड चीज से है, इसका साथ जो रिलेटेड चीज है ना, अभिमानश्च, इसका साथ रिलेट, इसका अभिमान का साथ रिलेटेड चीज है, ये भी पकड़ा गया इसको, इसलिए च लगा दिया। आक्रोधो है ना, जैसे चलाकी कर दिया, चलाकी कर दिया हमने, चौकार के द्वारा चापल आदि समुच्चय इसमें लिया गया, पकड़ा गया, तो
तो दंभो दर्पो अभिमानस्यो क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभियातस्यो पार्थो संपदम आसुरिम। ये असुर भाव वाले, ये जो असुर भाव वाले जो आदमी हैं, इनके लिए ये संपद है, दैवी संपत्ति, ये स्वाभाविक इसका ही है, इसको लेके चले, ये आगे चले। लेकिन ये समझते नहीं है, असुर लोगों के लिए दैव संपत्ति, दैव जो गुणावली है, लेकिन सरासर ये जो है बंधन कराने वाले, इन में से एक भी गुण मेरा अंदर में रहे, टच भी करे, तो मेरे लिए ये सबसे भयंकर है, ये कंटामिनेशन है ना। ये बंधन का कारण बन जाएगी। ऐसा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी ये बताए, दम्भो का मतलब अपने अधार्मिक है, शिशुपाल का दम्भो दर्पो विचार करके देखो, और आपका ये जो जरासंध अपने को धार्मिक मानते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, जरासंध पूजा पाठ यज्ञ आदि करते हैं लेकिन भगवान को मानते नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती भी ये बताए, ये बंधन का फल है, जितना सारे गुणावली हैं ये गुणावली के द्वारा फल मिलेगी बंधन। दम्भो मतलब खुद अधार्मिक होके भी अपने को धार्मिक बनना, वो अधार्मिक है, अन्याय करता है, चीटिंगबाजी कर रहा है, फिर अपने को पूज बड़ा मानता है, क्या करे समाज में, क्योंकि पैसा जिसका है वो बड़ा है, आजकल के जमाने का ही नियम है। वृत्तमेव कलौ निनाम जन्म आचारो गुणादयो, समझा ना, ये मेरा कहना नहीं है, शास्त्रों का है। वृत्तमेव कलौ निनाम जन्म आचारो गुणादयो, हेलो वृत्त, पैसा है तो सब है, ये बड़ा खानदान का है, जानते हो, चाहे छोटा खानदान का हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि पैसा है। वृत्तमेव कलौ निनाम जन्माचार गुणादयो, है जन्माचार, और उसका आचरण बहुत अच्छा है, पैसा है आचरण है, चाहे होटल में भी खाए वो बड़ा आचार्य, बड़ा मना जाएगा, पैसा है ना। दाम्पत्यर अभिरुचि विप्रत्य सूत्रमेव ही, दाम्पत्य जीवन है, तू मेरा है मैं तेरा हूं, पसंद हो गया। बांग्ला में कहावत है, जार संगे मौजे मोन कीबा हाड़ी कीबा डोम, बांग्ला में कहावत है, गुरु जी कहते थे, जार संगे मौजे मोन कीबा हाड़ी कीबा डोम, अरे सब चलेगा, चलता है, दैव वर्णा समय ना, हाड़ी को है भांगी को शादी कर लो, चुम्बन कर लो, अरे चलता है महाराज, क्या है आप जरा सा है, ऐसा ही है। वृत्तमेव कलौ निनाम जन्म आचारो गुणादयो, आ दम्पत्यर अभिरुचि विप्रत्य सूत्र, जानते नहीं हो मैं ब्राह्मण हूं, ये देखते नहीं हो मेरे जेनुई है, हाँ जेनुई तो है, 10 पैसा लगता है बाजार में जेनुई लाने में, और लाल कपड़ा लेने में तो कोई पैसा ही नहीं लगता, बस हाँ कर दो दे देगा, डंडा भी मिल जाएगा, फिर वोट देने हैं, वोट हाथ उठा दो मैं आपका साथ हूं, बस हो जाएगा। सो दम्भो
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने बताए अपने अधार्मिक होने के बावजूद अपने को धर्मी मानना, दर्प धन दौलत आदि विद्या मत सब गर्व है, अभिमान मतलब दूसरे का पास अपना सम्मान मांगना, जबकि महाप्रभुजी अमानिना मानव दिन कीर्तनीय सदा, वही व्यक्ति हरि कीर्तन कर सकता है चाहे जितना भी कट्टर प्रवचन करे। केशव गोस्वामी में तो गाली दे के बात करता था, संतो महाराज तो चप्पल से पिटाई करता था, फिर भी इस इन लोगों के अंदर में तृणाद भी था, नहीं तो हरि कथा कैसे बोलते थे, मेरा विचार नहीं चलेगा है उल्टा सीधा। तो अभिमान जो है दूसरे का पास सम्मान आकांक्षा करना, अथवा पुत्र कलत्रादि पुत्र परिवार में आसक्ति रखने वाला क्रोध, ये तो जानते ही हो गुस्सा होना क्रोध पल पल में, खने रुष्टो खने तुष्टो खने खने रुष्ट 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 तुष्टो, जानते हो ना, खने रुष्ट खने तुष्टो खने खने रुष्ट तुष्टो क्रोध हो जाता। पारुष्य माने निष्ठुरता मर्सीलेसनेस, हमने तो ऐसा बोल के रखा है कोई गरीब आदमी आए तो उसको मुफ्त में किताब दे देना, उसका पास पैसा नहीं कोई बाबा आया उसको ऐसे दे देना। और ये बामन गोस्वामी महाराज भी कहते थे और हमारा भक्ति वल्लभ, अगर बिना पैसा देना शुरू कर दो वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, उसके लिए पैसा कुछ रखना चाहिए, खाने के लिए नहीं, ये पैसा थोड़ा बहुत रखना चाहिए, क्योंकि मैंने दे दिया मठ में, मठ तो बिक्री किया, चलो ये बिना पैसा देने से पड़ेगा नहीं, उस सोचेगा सस्ता है, इसलिए प्रवचन भी ज़्यादा आएगा ना, उस सोचेगा सस्ता, और साल में एक प्रवचन, अरे महाराज का प्रवचन है चलो चाहे कुछ भी करे उल्टा पलटा, साल में एक बार है तो उसका कीमत ज़्यादा है, उल्लू समाज है उल्लू। सो अज्ञान अविवेकी आसुरी तथा ये राक्षसी संपद का उपलक्षण है, चलेगा। पारुष्य मतलब निष्ठुरता मर्सीलेसनेस हार्टलेसनेस, अज्ञानम अविवेक, ये आसुरी और राक्षसी संपद का उपलक्षण है। अभिजात एरो राक्षस तमसिक संपद जो है समूह प्राप्ति सूचक, ऐसा जो स्टार पोजीशन में जिसका पैदा हो हुआ होगा इसका लिए ये सबसे बड़ा प्यारा है। क्या है, दम्भो दर्प अभिमानस्यो क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभियातस्यो पार्थो संपदमासुरिम, हो गया आई बात समझ में। अभी विचार बन रहा है पांच नंबर श्लोक का, ये पांच नंबर श्लोक में बताया गया दैवी संपदो विमोक्षायो निबंधायासुरी मता मा सुचहो संपदम दैवीम अभियातोसी पांडव। स्पेशली अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ये दैवी संपद विमोक्षायो निबंधायासुरी मता, ये जो संस्कृत जानता भी नहीं इसका लिए भी क्लियर मीनिंग है, ये मतलब दैवी गुण संपत्ति जो है ये मुक्त कराने वाले मोक्ष देने का हेतु है, और आसुरी दैव संपत्ति जो है आसुरी संपत्ति जो है आसुरी जो संपत्ति है ये बंधन में डालने वाले हैं। दैवी संपद विमोक्षायो निबंधाय सुरी मता मासुचो संपदम दैवीम अभियातोसी पांडव मासुचो, अरे पहले शोक करने के लिए मना कर दिया, किसलिए किसलिए भगवान ऐसा किया, काहे की शोक है, ये शोक काहे की शोक है जो भगवान ने अर्जुन को कह दिए
तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं, ऐसा बोलने का क्या दरकार था? भले दरकार था, ये कारण यही कारण है जो कि अर्जुन, अगर पहले देखा ना, पहले याद है ना, एक नंबर चैप्टर में, दो नंबर कितना प्रवचन दिया भगवान अर्जुन ने, कितना प्रवचन दिया, नहीं ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता, ये अमान ऐसे तो हम मार नहीं सकते, बड़ा प्रवचन दिए। बाद में भगवान ने एक फटकार दिया, तब बेकार की बातें करते हो, प्रवचन देते हो जैसे ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारा बातें सरासर गलत है, तुम्हारा बातें जो है सरासर गलत है, ये विचार नहीं है, है? एक नंबर अध्याय में, दो नंबर अध्याय में कितना अर्जुन ने कितना सपोर्टिंग युक्ति दिया, ये कैसे करे, ये तो उचित नहीं होगी, कितना। बाद में भगवान जब फटकार दिया, दिखा रहे हो बड़ा पंडित हो, लेकिन बात कर रहे हो क्या, कैसा अज्ञानी का मापिक, ये भी तो हो सकता है इतना। अरे इतना जन्म जन्म का संस्कार है क्या, अर्जुन कोई बद्धजीव नहीं है, बद्धजीव का प्लेटफॉर्म में खड़ा होके हमारा लिए नाटक कर रहा है, बद्धजीव अनंत काल से विश्व के साथ रोलिंग कर रहा है, चल रहा है, अब उसका जो स्वभाव है, इसका जो बिहेवियर है, कैसे चेंज हो जाए। अर्जुन को भी इसी प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया, अर्जुन ये भी तो हो सकता है कि अर्जुन ने दोबारा, ये भी तो हो सकता है कि अर्जुन दोबारा युक्ति खड़ा कर दे, भगवान आप ऐसा दैवी गुनावली और आसुरी गुनावली सब प्रवचन दे रहे हो और हमको आसुरी कर्म में लगा रहे है, क्या बात है, ये भी तो कह सकता है ना अर्जुन, तो यही भी कह सकता है, कौन जाने, आप ऐसा आसुरी आए दैवी गुण आसुरी गुण सब बोल रहे और मेरे को लगा दिया असुरी कर्म में, खून खराबा करने में, क्या बात है। इसीलिए भगवान चतुराय से पहले से ही खड़ा कर दिया अपना युक्ति। अर्जुन ऐसा भी हो सकता है कि अंदर में तू दुखी है, अर्जुन ये भी हो सकता है कि तू अंदर में दुखी है, क्योंकि तू अगर ऐसा सोचे कि मैं भी हो सके कि आसुरी गुण संपत्ति का भागीदार हूँ, कौन जाने मैं खून खराबा कर रहा हूँ, इसीलिए भगवान पहले से तर्क उठा के रख दिया, मत सोचो ऐसा चिंता, बिल्कुल शोक नहीं करना, क्यों, बस तुम जिस खानदान में पैदा हुआ हो, तुम्हारा जो स्टार पोजीशन है, तुम्हारा जो गुनावली है, सारे दैवी गुनावली, तो कैसे हम खून खराबा करें, बोले खून खराबा से इसका कोई मतलब नहीं है, विचार करके देखना, ये तो तुम खोत्री हो, करना चाहिए, तुम तो खराब कुछ नहीं कर रहे, धर्म युद्ध कर रहे हो, इसीलिए भगवान ने चतुराई से पहले से ही ये बात को उठाया और बोले दैवी संपद विमोक्षायो निबंधाय सूरी मता मा सुचहा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव, ये पांडव कुल, पांडव मतलब पांडु का लड़का, हे जस नाम जस में सुप्रतिष्ठित अर्जुन, तुम्हारा जिस खानदान में पैदा हुआ है, तुम जैसे जन्म लिए हो, तुम दैवी संपत्ति का अधिकारी हो, मां सोचो इसके शोक ने सोच, इसमें रोने धोने का कोई बात नहीं है, दैवी संपद विमोक्षायो निबंधायासुरी मता मां सुचो संपदम दैवीम अभिजातो उसी पांडव, आई बात समझ में। इसीलिए भगवान ऐसा कह दिया और आगे चलकर और बात कहेंगे भगवान। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं दो प्रकार का संपत्ति का विभाग किए, दैवी इत्यादि
और बाद में असुरी, चलो ठीक है। विश्वनाथ चक्रदेव कह रहे हैं कि अर्जुन का अंदर में ऐसा हाहाकार पैदा हुआ कि हाय हाय, मैं अपना बो एंड एरो तीर धनु से लगातार अपना दोस्तों को, अपना सगे संबंधी को मार रहा हूं, तो मैं कैसे, मैं भी आसुरी संपत्ति का अंडर में हो सकता, अर्जुन शोक कर सकता। इसीलिए पांडव आदि क्षत्रिय कुल में जा तो तुम्हारा लिए ये जो क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध विहित है, तो ऐसा मत सोचो कि तुम असुर संपद का अधिकार है। नहीं 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 ना ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए भगवान ने सुंदर एकदम प्रवचन रख दिए। दैवी संपद विमोक्षायो मोक्ष का हेतु होता है, दैवी संपद मोक्षों का हेतु इन जनरल व्याख्या किया, क्योंकि मोक्षों का हमारा व्याख्या है गौड़ीय संप्रदाय का, जानते हो गौड़ी संप्रदाय का क्या व्याख्या है, मुक्तिर हित्वा अन्यथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का एकदम मुक्तो परिग्रह, मुक्तो प्रग्रह वृत्ति, ये प्रभुपाद का भाषा है, शायद आप जिंदगी में सुना ही नहीं, ये प्रभुपाद का भाषा है। मुक्त प्रग्रह वृत्ति मतलब है परिभाषा, परिभाषा मतलब क्या है, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, ये शब्दों को ये कोई भी शब्द हो, ये शब्दों किसी चीज को समझाने के लिए डिनोट किए, आई बात समझ में। जैसे एक शब्द हमने यूज किया पानी, आप पानी शब्दों, ये पानी शब्द जो कह दिया कोई वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसा इंडिकेट करने वाले बहुत सारे चीज हो सकता, जीवन, पानी का दूसरा नाम जीवन है, हैं जल है, हो सकता ना बहुत सारे, लेकिन ऐसा कोई शब्द होनी चाहिए जो शब्दों ये जो वस्तु है, वस्तु का इनर मीनिंग संपूर्ण रूप से खोल दे, आई बात समझ में। ये जो शब्दों हमने पानी यूज किया, पानी, जल, जीवन है ना, बहुत सारे, लेकिन ऐसा कोई पानी का शब्द होनी चाहिए ये शब्दों के द्वारा इसका जो प्रॉपर्टी है, गुणावली है, इसका टोटल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं मुक्तो प्रग्रह विग्रह, मुक्तो प्रग्रह, कोई शब्दों का मुक्तो प्रग्रह मतलब ये सबसे ज्यादा इनर मीनिंग को प्रकाश कर दिया इसके द्वारा, ये प्रभुपाद का भाषा है। हमारा भाषा है परिभाषा, एक शब्दों का सिनोनिम, बहुत सारे सिनोनिम हो सकता है, लेकिन ऐसा शब्द हो जिस वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हमने किया, बा जिस भाव को, इसका टोटल एक्सप्रेशन बन जाए, आई बात समझ में। ऐसा करके बताएं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने ऐसा बताया, और दौ भूत स्वर्गौ लोके अस्मिन् दैवो आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रक्तो आसुरम पार्थो मे श्रेणु। हे अर्जुन, हे पार्थो, ये जो भूतोग्राम है, ये तमाम समाज संसार है, भूतोग्राम ये लोगों का जो दैव प्रकृति है, ये दोनों कैटेगरी में भाग किया गया, दो भूत स्वर्गो, ये भगवान का क्या व्यवस्था है, दो भूत स्वर्गो
लोके अस्मिन, अस्मिन लोके, अस्मिन माने ये समाज संसार में भूत और सर्गो दो किस्म का है, एक दैवगुण और असुरी एवच। दैवो का बारे में बहुत सारे चर्चा पहले ही कर दिया, दैवो क्या होनी चाहिए, कैसे होने से आदमी का रिहा मिलता है, मंगल होता है, दैवी विस्तार सह प्रोक्त विस्तारित रूप में ये दैवो गुणावली का चर्चा पहले भी हो चुका, प्रोक्तो मया प्रोक्तो है दैवी विस्तर सह प्रोक्तो और आश्रम प्रथम सुन। अब आसुर गुणावली क्या है इसका डिटेल इंफॉर्मेशन तुमको देने जा रहा हूं, इसका खुल्ला खुल्ला व्याख्या सुन लो। अर्जुन दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवो आसुरो एव च, दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवो आसुरो एव च, दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुरो एव च, दैवो विस्ता दैवो विस्तर सह प्रोक्तो आसुरम पार्थमेशेनु। हो गया, सिद्धो समीपाद जी ने, सिद्धर समीपाद जी ने आसुरी संपत को सर्वत रूप में वर्जन करना उचित है ऐसा लिखा। सिद्धो समीपाद जी ने पूरा ऐलान कर दी जे किसी भी हालत से आसुरी और राक्षसी दैवी संपत्ति को अपनाना नहीं चाहिए। अगर आ भी गया दुष्ट संग से इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए उसका चिंता, दुष्ट संगोपाल कबू न चिंतिन, गुरुदेव दयामय शिल मेरा गुरुदेव अभिन्न गुरुदेव से असंत गुस्म है, गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय। ये सुंदर कीर्तन है, इसमें देखना मैंने सोचा नहीं हे गुरुदेव, मैंने सोचा ही नहीं असत्संग फल क्या हो सकता, इसका नतीजा क्या है, ये नतीजा क्या है, आज तो मैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा ले रहा हूं लेकिन आगे क्या होगी मैंने कभी नहीं सोचा, दुष्ट संगो बल को हूं ना चिंतित, साधु का संग करने में इच्छा नहीं पैदा हो, इच्छा नहीं होता चलो साधु के सामने जाए, उल्टा साधु से भाग रहा है, किसी भी साथ उसका साथ कनेक्शन ना रहे, फोन पे भी नहीं लेटर पे भी नहीं, एक्वायर करने से मुश्किल है, ये जो मोरालिटी है जो आइडियलिज्म है तो ले नहीं सकेगा, इससे अच्छा तो ये है नाम कमा लिया इसका पीछे रहो तो अच्छा है, मेरा भी थोड़ा नाम फाम हो जाए, ऐसा है कोई चाहता नहीं। तीसरा मेरा गुरुजी शिला भक्ति वल्लभ उसी महाराज जी शिक्षा गुरु कहते थे, अक्सर कहते थे किसका हिम्मत है आओ सालग्राम छोड़ के बोलो जब मैं भगवान चाहता हूँ, बोलो किसका हिम्मत है, कोई नहीं चाहता, छाती ठोक के कहते थे कोई नहीं चाहता भगवान को, भगवान से चाहता है, भगवान को नहीं चाहता, भगवान से, भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहता है, भगवान से मांग सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जाए जगदी से, नहीं तो हम कैसे खर्चा करें, अरे धूप पानी का भी तो खर्चा है, मैं तो बिजनेसमैन हूं उसूल करना है ना, ऐसा बिजनेसमैन। प्रहलाद महाराज बड़ा घृणा किया है, प्रहलाद महाराज जी ने इतना घृणा किया है जे हम भी अपना जिंदगी बिजनेस सुनने से हम चिढ़ जाता, हमको सुनना नहीं है सब, भजन में भी बिजनेस को कम है, काम में लगाओ, पॉलिटिक्स लगाओ, कहां तक ये लोग जाएगा, कहां पहुंचेगा, नतीजा क्या है। सीधा सीधा साईं बाद जी ने कह दी आसुरी संपद सर्वत रूप में त्याग करना उचित है, ये अगर नहीं करे
तो भजन हो गया छुट्टी, ये हो गया छुट्टी और कुछ नहीं होने वाला। सो दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन दैवो आसुरो एवच दैवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरम पार्थमेश। अब आसुरिक प्रवृत्ति क्या है इसका मन में खुल्ला में खुल्ला विचार होनी चाहिए फ्रॉम डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू। एक एक एंगल से विचार करे दूसरा एंगल में वो वे आउट होगा, वो निकल जाएगा। हमारा तो ये नहीं बोला, जैसे एक कहानी याद हो गया हमारा परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज, वो सैटरडे क्लब में गया। सैटरडे क्लब में जाके बोला हम तो कुछ समय तक तो प्रमोशन देना चाहें, ये नंगा क्लब है और नाचो कूदो और कुछ भी करो, कोई दोष नहीं है। क्यों? पैसा वाले का कोई दोष नहीं होता, शीशे के घर में रह जो रहते हैं उसका तो कोई दोष नहीं है, चलो ठीक है। तो महाराज को बोला हमारा पास कोई टाइम नहीं है, महाराज 5-10 मिनट तो दे दो। और ठीक है चलो 10 मिनट दे दिया। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने स्मार्टली प्रवचन शुरू किया और प्रवचन करते करते ऐसा सुंदर प्रवचन है, कहाँ से 10 मिनट से 15 मिनट हो गया उसकी ख्याल ही नहीं है। नशा का जो नशा का वो जो है वो छूट गया। अब बाद में 15 मिनट बाद महाराज बंद कर दिए। अरे आपने क्यों बोला ये सब बोला, इसका जवाब चाहिए। महाराज बोला देखो आपने मेरे को 15 मिनट समय दिया, 10 मिनट 15 मिनट, 10-15 मिनट का अंदर में मैंने ये बता दिया नेगेटिव चीज़, और पॉजिटिव सुनना चाहो तो और 15-20 मिनट दे दो। ऐसा घटना हुई बॉम्बे में एक बड़ा गौड़िया मठ का तरफ से हमारा परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज गया और माधव गोस्वामी महाराज भी शायद थे और 2-4 गुरुवर्ग। अब मैड्रास में भी हुआ, कई जगह हमारा गुरुवर्गों का बारे में हम बोलने जाए तो शर्मिंदा हो जाता हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है, इतना गिरा हुआ हूँ। अब उल्टा इसका निंदा करते कैसा हिम्मत है? देखो ये आदमी है कि पैजामा है, क्या है बोलो? आप ही विचार करके बताओ। जो गुरुवर्गों का नाम लेने में मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, इतना गुनावली है। हमारा गिरी महाराज थे विनोद बानी का, वो प्रतिष्ठा की थे, ये गवर्नर जनरल का कमरे में घुस जाते थे, इतना हिम्मत है। आप उपाध इतना प्रसन्न हो जाते थे, गवर्नर किसको घुसने नहीं दे, ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नर। और उसका देखो और देखने में लगेगा कुछ नहीं है गिरी महाराज का, निष्किंचन वैष्णव है, कितना हिम्मत है। अरे बापरे बापरे, वो डायरेक्टली साइन करके चिट्ठी देते थे, गवर्नर जनरल ना साइन करके, अपना साइन। बड़े बड़े ऑफिसर बोलते थे हमारे पास तो ऐसे चिट्ठी आता था और मोहर लगते थे, छप्पा लगते थे, गवर्नर से आया, आपको कैसे दे दिया इतना लेटर। बोले यही तो मजा है, यही तो गुरु कृपा का मजा है। ऐसा हमारा गुरुवर्ग है, मेरा छाती जो है ना 48 इंची से भी बढ़ जाता है हमारा ये गुरुवर्ग का नाम लेने से। और उसका निंदा जो करे है, उसको हम छोड़ सकता कैसे? कोई भी हो, हमारा बाप भी हो है, उसको हम कैसे छोड़े है? फालतू बातें कहते हैं है? मरने आए तो ये जो है श्रीधर गोस्वामी महाराज हमारा, वो इतना बड़ा बड़ा सब बड़ा बड़ा। तो हमारा ये जो राष्ट्रपति राधा कृष्णन, ये साउथ इंडिया मैड्रास में जो भाषण था इसमें हमारा श्रीधर गोस्वामी महाराज समाधान किया। सोचो क्या बात है, मायावाद का साथ भक्ति जगत का जो लड़ाई है इसको समाधान करने के लिए इसको चुना गया गौरिया मठ को। अब ये गुरुमा, आप ये गौरिया मठ को आप निंदा करते हो, शर्म नहीं आता आपका है? गौरिया मठ को चुना गया, गौरिया मठ से श्रीधर महाराज इतना बड़ा बड़ा फिलोसोफर है और राधा कृष्णन भी है उसमें बास में। श्रीधर महाराज ऐसे रिप्रेजेंट किया जो सारे समाज जो है सर झुकाया। बॉम्बे में भी ऐसा हुआ, आधा प्रवचन करके छोड़ दिया। महाराज ऐसा कैसे आपने बता दिया? महाराज हम पूरा आंसर नहीं दे पाए,
आप मेरे को आधा घंटा समय दिया, और आधा घंटा दिया जाए तो अब आप कहो कहो कहो, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाया ना, अब कहो। कितना चतुर है हमारा गुरु, उसका खानदान में हम लोगों का पैदा हुआ, हा हा क्या आनंद है ना। ऐसे अभी देखो ये 7 नंबर श्लोक में पद्म पुराण में ये कहने भूल गया मैंने, ये जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में भी ऐसा श्लोक है, ऐसा ही श्लोक है। क्या है बोले, ऐसा ही सुंदर श्लोक है पद्म पुराण में। क्या है, दो भूतो सर्गो लोके अस्मिन् दैवो आसुरमे एव च विष्णु भक्तः भवेद् दैवो असुरस्तद् विपर्ययः, है ना। कृष्ण सुंदर, विष्णु भक्तः श्रितो दैवो, किसी किसी जगह लिखा हुआ है विष्णु भक्त भवेद् दैवो असुरस्तद् विपर्ययः, ऐसा सुंदर। तो चलो 7 नंबर श्लोक का थोड़ा चर्चा करके आज खत्म करें। बोले प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। दैवी भाव का आदमी का जो स्वभाव है, दैवी भाव का आदमी का जो मीठा स्वभाव है, व्यवहार है सारे, और उसका क्या है सारे व्याख्या कर चुके पहले। असुर भावों का अंदर में ऐसा है, इसका प्रवृत्तिंचो निवृत्तिंचो जना न विदुर आसुरा, असुर स्वभाव विशिष्ट व्यक्तिगण को धर्म में प्रवृत्ति है। असुर स्वभाव विशिष्ट व्यक्तिगण कोनों को धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति नहीं है। आई बात समझ में, मतलब वो धर्मों का बात सुनना ही नहीं चाहता और अधर्म का काम करने में जुट जाते हैं और रोक नहीं पाते। ये अधर्म है, करना उचित नहीं है, ये रोक नहीं पाते अपने को, अधर्म ही कर लेते। जैसे याद है ना अर्जुन, ये तुम्हारा आपका दुर्योधन का प्रवचन याद है ना, क्या दुर्योधन क्या है, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मेरा रुचि नहीं है धर्म में, अधर्म क्या है ये भी मेरे को पता है, लेकिन ये अधर्म करने में मैं जुट जाता हूँ, लग जाता हूँ, रोक नहीं पाता अपने को, क्या करे। दुर्योधन जी ने बताए, दुर्योधन ने ये बताए, जनामि धर्मम नौचमे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम नौचमे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थित न यथा नियुक्त उसमें तथा करूँ। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाता, इसको करने में जुट जाता हूँ, लग जाता हूँ, क्या करें। तो इसीलिए ऐसा है, 7 नंबर श्लोक में भगवान खुलासा कर दी, क्या बजे प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर स्वभाव वाले जो है इसके धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से निवृत्ति भी नहीं है। इन लोगों का अंदर में शौचो मतलब पवित्र रहना। शौचो दो किस्म का है, अंतर शौचो और बहिशौचो। अंतर शौचो मतलब भगवान को हृदय में रखना, भगवान का चरणों को हृदय में स्थापन करना, ये है अंतर शौचो। बहिशौचो मतलब वो जो कपड़ा आदि आसन सारे उसको पवित्र रखना। बाहर का आदमी कहाँ से आए, चाहे मसान से आ रहा है, चाहे तो हॉस्पिटल से आ रहा है, चाहे तो मुर्दा 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 जला के आ रहा है, कौन जाने कहाँ से आ रहा है। तो इसका सब का साथ
डायरेक्टली टच होना बहुत मुश्किल की बात है। ऐसे अगर पवित्र भक्त समाज है, गुरुवर्ग है, इसका साथ तो कोई बात नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो दर्शन देने के साथ साथ पवित्र बना देंगे हमको। ये तो दर्शन देने के साथ साथ पवित्र कर देगा। दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण है ना, है ना। तो कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं ये असुर स्वभाव वाले, ये असुर स्वभाव वाले, ये लोग अंदर में ना तो सोचो रहता है, नहीं रहता है, कुछ जानता ही नहीं। हमने एक लड़का आया था, इसको जोर जबरदस्ती अर्चन में घुसा दिया। अब उसका फॉल डाउन हुआ, वो आया मेरा पास। हमने बोला किस पागल ने तुमको अर्चन में घुसाया, जब तुम्हारा ये हालत पैदा हो गया, तुम कपड़ा पहन के टट्टी करके और मेरा पास आ रहे हो, कितना हिम्मत है तुम्हारा। देखो ऐसा ही है आचार, कोई आचार विचार नहीं है, कुछ जानता ही नहीं। छुआछूत और कैसे झूठन क्या है, कैसे होता, अभी भी जानता नहीं। बहुत सारे पश्चिम का बहुत सारे जगह है जो जगह जानता ही नहीं। रोटी परोस रहा है पाथ में, वो टच करके, अरे दूसरे पाथ का उसका जो थैली है उसका तो टच करो तो तुम्हारा झूठन हो जाएगा पूरा सरासर। वो जानते नहीं, सीखेगा वो समझाओ तो भी समझेगा नहीं, ये समझाओ तो भी समझेगा नहीं। वो बोलेगा हमारा जो नियम जाना हुआ है वो हम जो जाने वही ठीक है, ऐसा अकलमंदी है। तो शौच आचार और सत्य तत्परता, सच्चाई को सामना करे। एब्सोल्यूट सत्य का बारे में तो छोड़ ही दो, वो तो पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग ये तो छोड़ ही दो। ऐसा जनरल ट्रूथ जो है, सच्चाई को सामना करना नहीं चाहता है, भागते हैं डर के मारे। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते। सच्चाई के लिए जो एक चाहत है, सत्वपरायणता, इसका अंदर में नहीं है। अगर वो जानता है महाराज ने ठीक बोला, फिर भी उल्टा रास्ता में जाएगा। जो गलत बोल रहा है उसको मालूम है, इसको मालूम है झूठा है, मक्कार है, चीटर है, ये प्रवचन कर रहा है, वो जानता है 100%, फिर भी उसी भी जगह जाएगा, वो आएगा नहीं उसी जगह, जबकि उसी में उसको भलाई है। सच्चाई को सामना करना कोई नहीं चाहता, तो एब्सोल्यूट सच्चाई को सामना करना कोई नहीं चाहता, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में क्या बताएं मैं। जो जनरल ट्रूथ है, इन जनरल जो मोरालिटी है, सच्चाई बोलना चाहिए, ये भी नहीं बोलना चाहता। तो ये परम सत्य वस्तु का पीछे भजन करे तो कैसे हम आशा कर सकता, हाउ आई कैन एक्सपेक्ट दे कैन डू भजन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। हर वक्त झूठा बोलता है, वो जानता नहीं। एक झूठा बोलो ये झूठा को छुपाने के लिए हजारों झूठा का जरूरी है। एक झूठा तुमने कह दिया, झूठा बोला ना, झूठा तो बोला ही है। और ये झूठा को हमने जो प्रश्न किया, ये झूठा को छुपाने के लिए हजारों झूठा पेश कर दिया, ये तुम्हारा चरित्र है। एक झूठा को छुपाने के लिए हजारों झूठा रख दिया। अरे गुरु वैष्णव सब देख सकता है, क्या छुपाओगे तुम, तुम्हारा नंगापन पूरा मालूम है गुरु वैष्णव को। न शौचम ना पीछा चारो न सत्यम तेसु विद्यते। अब सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, सरलता तो दूर की बात है, कपट है और आचार विचार कुछ नहीं है, तो क्या करे। ये असुर लोगों का यही बिहेवियर है, असुर लोगों का यही है। भगवान एक से एक आगे चलकर, एक से एक भगवान विचार बता रहे हैं। बोल देखो असुर स्वभाव वाले का क्या विचार है, ये देखो विचार करके। क्या बताए,
बले प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम न पीचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब इसका विचार करके देखना अपना अपना हृदय में क्या दैवी गुण है क्या असुरी गुण है। अगर दैवी गुण थोड़ा बहुत है असुरी गुण मिलावट है तो ट्राई टू एलिमिनेट इमीडिएटली। अगर ये भी हो सकता है कि थोड़ा दैवी गुण है ही है और थोड़ा मिलावटी है असुरी गुणावली है तो इमीडिएटली उसको खाली करो जल्दी खाली करो, नहीं तो ये दैवी गुणावली है ये भी कंटेमिनेटेड होके आपको नरक में ले जाएगा, ये नरक में ले जाएगा पक्का। जितना भी दैवी गुण वाले थोड़ा बहुत है इसको बचाओ इसको, अब बाकी खाली करो हटाओ जिंदगी से, नहीं तो नरक में पहुंच जाओगे। कोई किसी बाबा ने रक्षा नहीं कर सकता। हमारा निष्किंचन महाराज जी चंडीगढ़ का कहते थे भैंसों का सामने भेड़ियों भेड़ी पीटना, भैंसों का सामने भेड़ी पीटते रहो वाह कैसे ऐसे करेगा, वो भैंस है ना तमगुनी। निष्किंचन महाराज कहते थे अक्सर भैंसों का सामने भेड़ी पीटना कोई लाभ नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कौन सुनने वाला है हैं। और ये जो गिदर है और चालू शकुन जानते हो ना, वाल्चर जानते हो हैं, बाज और इसको क्या कहते हैं हम भूल गया, जो भी है शकुन आसमान में उड़ते थे बहुत ऊंचा सबसे ऊंचा, उसका नजर है इसका नजर है कहाँ, वो घटिया जगह पे नरक में। चाहे वो उतना ऊंचा में वो दिखाए कि देखो मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं पंछियों में मैं सबसे बड़ा ऊंचा हूँ, कितना ऊंचा में मैं चलने का हिम्मत रखता हूँ, लेकिन विचार करके दिखाए तो चाहे वो जितना भी ऊपर उड़ने कितना भी ऊंचा ऊपर उड़ने का कोशिश करे लेकिन इसका कैरेक्टर है क्या है, वो नरक में है इसका नजर है नरक तक। ऊपर उड़ता है कहां मुर्दा पड़ा हुआ छा आके मुर्दा को खाने के लिए बैठता है, उसका नजर है वहां। ऊंचा जाने से कैसा होता है क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्या बिगड़ता है, ऐसा ही है। जो चलो आज 8 नंबर श्लोक को उच्चारण करके आप विश्राम दे दें। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहूरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत कामहैतुकम। क्या बताया, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहूरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत कामहैतुकम। काल इस अगले आगे व्याख्या हो पाएगा आज समय। विप्रात दिशर गुण युतात अरविंद नाभो पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थो प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान वांछा कल्पतरुष्य के पास इंद भविष्य पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो।